बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एवरेज एवरेज आप पहुंच रहे हैं सर 5 से ऊपर। हाँ सर, 5 से ऊपर चल रहा है इस समय। ओके मैं पिछले सेशन में आपकी ही बात कर रहा था, सर। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप चल रहे हैं सर। इस प्रोजेक्ट को सिर्फ लखनऊ, लखनऊ से अगर आपका 8,000 का एवरेज या फिर 5,000 से ऊपर एवरेज कलेक्शन आप कर रहे हैं, तो सोचिए ऑल ओवर इंडिया से सर बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीक जो है 10 तारीख के बाद मैं इसको ट्रायल पे बनारस में डालने जा रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, लेकिन सर इस पे एक चीज याद रखिएगा सर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना बहुत जरूरी है। यहां पर आप ज्यादा यूजर्स को कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है आपके पास। सर वही प्लानिंग कर रहे हैं इस समय, मतलब टीम पीछे से काम कर रही है। लखनऊ में तो बहुत इश्यू नहीं है, थोड़े से चैलेंजेस हैं कि ट्यूशन की इंक्वायरी बहुत कम आ रही है हमारे पास जी और ट्यूटर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सर, तो ये माई सारे। माई ऑपरेटर करके एक सर्विस है, हमने लास्ट टाइम बात की थी और मैं बताना आपको भूल गया, माई ऑपरेटर नोट कर लीजिए। ये एक आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, उस नंबर पे जैसे ही कॉल आएगी उस नंबर की कॉल्स को आप ट्रेस कर सकते हैं। जो बंदा आपका इंडिविजुअल कॉल उठा रहा होगा वो नंबर पे रिकॉर्डेड कॉल होंगी, उस रिकॉर्डिंग को आप कभी भी सुन सकते हैं। प्लस अगर एक इंडिविजुअल बिजी है तो दूसरे नंबर पे चला जाएगा, दूसरा बिजी है तीसरे पे चला जाएगा, और आप अपने डिपार्टमेंट भी सेट कर सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर कॉलिंग जो भी आपके लाइक tutorgroup.com है, थैंक यू फॉर कॉलिंग tutorgroup.com, डायल 1 इफ यू आर अ ट्यूटर, डायल 2 इफ यू आर लुकिंग फॉर योर चाइल्ड ट्यूटर। सो ये बहुत मजेदार तरीका हो जाएगा और निश्चित तौर कॉस्ट ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से लगभग 2,000 रुपये महीने का कॉस्ट है इसका। आपको जो कॉस्ट बताया जाएगा वो बताया जाएगा हाँ सर, आप 28 से, जी आपको जो कॉस्ट बताया जाएगा निश्चित सर वो 28 से 30 हज़ार का पैकेज बताया जाएगा। जब रिसर्च कर लीजिएगा उसके बाद मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैं आपको अपना कंसल्टेंट बता दूंगा कौन है, और उससे आप 2,000 रुपये महीने का ये सर्विस ले लीजिएगा। आप मुझे सीधे बता दीजिए, मैं सीधे ले लूँ सर। इस पर रिसर्च करने का टाइम कम है मेरे पास, तो आप मुझे नंबर ही व्हाट्सएप कर दीजिएगा सीधे। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ नंबर, आप मेरे रेफरेंस से बात कर लीजिएगा और आपको 2,000 के आसपास सर सर्विस मिलेगी। बहुत मजेदार चीज है, यूज करके देखिएगा, मजा आएगा सर इसमें। इससे आप अपनी ट्रैक रख सकते हैं कि कितनी कॉल्स आई हैं, क्या हुआ है। अगर कोई कॉल मिस भी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपके 7 के 7 यूजर्स बिजी हैं और कॉल मिस हो जाती है, तो 100% आपका नंबर उस पैनल पे होगा, आप जाके नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आपको यूजर्स वॉइसमेल भी छोड़ सकते हैं अगर आप बिजी हैं बहुत ज्यादा तो। हाँ सर, ऐसी मैं सर्विस चाह रहा था, क्योंकि जैसे अब क्या ट्रायल पे जैसे मैं सपोज बनारस लोकेशन पे कर रहा हूँ, तो क्या मुझे हर लोकेशन के लिए सर अलग अलग नंबर चाहिए होंगे? सर नहीं, आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही नंबर चलेगा आपके लिए। एक ही नंबर चलेगा। जी, ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही नंबर होगा सर, समझिए ना। एक ऐसा नंबर चूज कर लीजिए जो ऑल ओवर इंडिया प्रमोट कीजिए, कहीं से भी लोग आ रहे हैं, कहीं से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे सर चैलेंज ये आ रहा है कि जैसे सपोज मैं अभी लखनऊ में सर्विस को चला रहा हूँ, जी हमारी वैकेंसी टीम यहाँ की लोकेशन इंदिरा नगर म्यूनसिपलिया सब उससे रहा हुआ है। जी अब सपोज वो बनारस जाती हो, बनारस के अलग अलग जो कॉलोनी जो उसे नहीं मालूम है, अब वहाँ की का कॉल यहाँ पे एक ही टीम। जैसे मैं लखनऊ में बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि सर मैं लखनऊ से शक्ति नगर से बोल रहा हूँ, जी तो आप सर वहां बैठे बैठे जज नहीं कर पाओगे कि शक्तिनगर बेसिकली कौन सी लोकेशन है, वो कुकरैल बंदे के बगल में है, तो मतलब बिल्कुल ही डिफिकल्ट हो जाएगा एंट्री करना। सर कोई बात नहीं, आप फोन जब उठेगा तो सर वो पूछ लेंगे ना, यही तो डिटेल है कि जब फोन उठे तो वहां पे नोट कर लीजिए कि इंडिविजुअली कहाँ पे वो इंडिविजुअल है। सर फोन उठे तो एक एक स्क्रिप्ट रेडी लिखिएगा, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग tutorgroup.com, हाउ मे आई हेल्प यू, कैन आई हैव योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस। आपके पास एक डेटा बनता चला जाएगा सर, एक स्क्रिप्ट रखनी बहुत जरूरी है, वरना कोई भी सब्जी मंडी में खड़ा है आलू खरीद रहा है, अचानक से कॉल आई और उठा के बोल रहा है हाँ जी सर बताइए, तो मजा नहीं आएगा, सही कह रहे सर। है ना। एक स्क्रिप्ट रखनी बहुत जरूरी है, एक प्रोफेशनलिज्म तभी आएगा सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए सर। चलिए उमेश सर कैसे हैं? सर बढ़िया सर, सर आपका तो बैकग्राउंड आज तो काफी अच्छा है सर। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। जी सर, चलिए ठीक है, मैं टीम को बता दूंगा इसको, थोड़ा थोड़े दिन इसको चलाओ। चलिए मनोज सर कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया। राकेश जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। गौरव सर कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। सर आपकी वीडियो कब आ रही है नेक्स्ट? अब सर जल्दी आएगी।
चलिए बहुत बढ़िया सर, दिवाली से पहले रिलीज कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, उससे पहले। चलिए बहुत बढ़िया सर, दिवाली से पहले कुछ पटाखे वटाखे रिलीज कर दीजिए सर, सही है। चलिए आज सेशन में, पिछले सेशन से कोई क्वेश्चन किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी बताइए सर। सर हैशटैग में जब हम कुछ लिखते हैं फेसबुक में, तो कुछ लेटर्स कैपिटल और कुछ लेटर्स स्मॉल रखना, इसका कुछ लॉजिक है या फिर हम कुछ भी रिदम से लिख सकते हैं? नहीं सर, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए है कि जब कोई इंडिविजुअल उस पोस्ट को देख रहा है तो उसको पता लग जाए क्या कीवर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पे स्पेस, जैसे ही आप हैशटैग में स्पेस डालते हैं आपका नेक्स्ट कीवर्ड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे स्पेस नहीं डालना है, हैशटैग इन द सेंस हैशटैग से आप सर्च क्वेरी बना रहे हैं। सो हैशटैग, लेट्स सपोज अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स लिखना है तो मैं लिख दूंगा हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, बट यहाँ पे अगर मैं सब कुछ स्मॉल में लिख दूंगा तो जो यूजर देख रहा है उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि क्या लिखा है। बट अगर मैं एक जो सबसे इनिशियल लेटर है किसी भी वर्ड का उसको अगर मैं कैपिटल लिख दूं, जैसे फॉर एग्जांपल डी कैपिटल बिना स्पेस दिए, फिर डिजिटल मार्केटिंग में एम कैपिटल एंड इंस्टीट्यूट में आई कैपिटल, तो देखने में आपको कीवर्ड रेक्टिफाई कर पाएंगे कि क्या लिखा है। क्लियर है सर? यस सर। बस इसके लिए और दूसरा कोई यूज नहीं है सर। जी सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? चलिए सो मैं सेशन में आगे चलता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप अपने फेसबुक पेज पे एडसेंस कैसे लगा सकते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है, अपने फेसबुक पेज को कैसे एक वेबसाइट का रूप दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते भी नहीं है कि आप फेसबुक के अंदर एक नया टैब बना सकते हैं अपना खुद का कस्टमाइज। निश्चित सर पता है आपको? सर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। चलिए बहुत बढ़िया। So, राकेश सर, अच्छा आप तो फेसबुक पे ज्यादा आपने काम किया नहीं है। चलिए मैं डायरेक्टली एक बार लॉगिन कर लूं सर फेसबुक पे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हमारा फेसबुक पेज है। यहां पे आने के बाद आपको सर्च करना है, वैसे सर्च हुआ हुआ है, मैं एक दूसरे सेशन में पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहां पे आपको सर्च करना है स्टैटिक एचटीएमएल। मैं इसको सेलेक्ट नहीं करके मैं पूरा एक दोबारा सर्च कर देता हूं सो दैट आप लोगों को बहुत क्लियर हो। स्टैटिक एचटीएमएल, जब आप इसको सर्च करेंगे बाकी सबको छोड़ दीजिएगा, सबसे ऊपर जो ये टैब आ रहा है स्टैटिक एचटीएमएल, इसके लाइक्स देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा ये सही है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यूज ऐप का ऑप्शन आपके सामने आएगा, यूज ऐप पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एड स्टैटिक एचटीएमएल टू अ पेज, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये एक तरीके का टैब आपकी फेसबुक पेज में ऐड कर रहा है, दिखा देता हूं फेसबुक पेज में कैसे ऐड कर रहा है। किसी एक पेज पे चल लेते हैं। लेट्स सपोज हम O9 क्लाउड सॉल्यूशंस के पेज पे चलते हैं। फेसबुक डायरेक्टली मेरे को पेमेंट वाले पेज पे ले जाता है हमेशा। चलिए हम ऑनलाइन क्लाउड सॉल्यूशन पेज पे आ गए। यहां पे देखिए होम सर्विसेज रिव्यू सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने। आप यहां पे एक टैब जोड़ सकते हैं जो कि आपका कस्टमाइज टैब होगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर अपने पेजेस को कस्टमाइज पेज बनाती हैं। कैसे करेंगी? यहां पे एड टैब में मैंने क्लिक किया, करने के बाद एड पेज टैब कर रहा हूं मैं, सॉरी मैं यहां पे मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से पेज से मैं कनेक्टेड हूं। So, मैंने ऑनलाइन क्लाउड सॉल्यूशन चेक कर लिया और मैं ऐड पेज टैब कर रहा हूं अभी। ये एक थर्ड पार्टी सर्विस है,
चलिए यहाँ पे परमिशन नहीं है हमें, तो एक काम करते हैं, जहां पे मुझे लगता है मेरे पास सबसे ज्यादा परमिशन होगी वहीं पे चल लेते हैं। यहां तो होगी होगी मेरे पास परमिशन मुझे लगता है। तो इस जगह पे आप 100% अपने एक पेज को बना सकते हैं, एक पेज को डाल सकते हैं। चलते हैं यहां पे स्टैटिक एचटीएमएल पे दोबारा चलते हैं, इस पर यूज ऐप पे क्लिक कर देते हैं। यूज ऐप पे क्लिक करने के बाद ये फेसबुक की सर्विस नहीं है, थर्ड पार्टी सर्विस है। रिफ्रेश करना पड़ेगा आई बिलीव मुझे। Add static HTML to a page. इसके लिए पेज होना जरूरी है, बिना पेज के काम नहीं होगा। यहां से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को। शायद मैंने अभी सर्विस ये यूज की हुई है इसलिए शायद इस पे नहीं आ रहा है। डी मंत्रास पे कर लेते हैं। एड पेज टैब, यहां पे परमिशन नहीं है। आई बिलीव कुछ शायद ये प्रॉक्सी एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। एक बार ब्राउजर को क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेता हूं, शायद कुछ प्रॉक्सी एरर है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तब तक जरूर पूछ सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर क्या है सर? फेसबुक मैसेंजर नॉर्मली जितने आपके अकाउंट होते हैं ना, उस अकाउंट पे आप अपने फ्रेंड से चैट कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक टू फेसबुक अगर किसी से चैट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर पे अगर किसी से बात करना चाहता हूं, जैसे एक मेरी एम्प्लॉय है यूएस से, सो अगर मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं इनसे बात कर सकता हूँ, ये डायरेक्टली इनके पास चला जाएगा। ओके सर, ठीक है। यस, और ये आपके पेज पे भी रहता है, तो पेज पे जो आपके पेज पे कनेक्टेड हैं लोग, वो लोग आपको अपने पेज पे मैसेंजर के थ्रू आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। और फेसबुक में अगर आपको बहुत अच्छे रैंकिंग पे रहना है, कोई यहाँ पे सर्च करे आपके किसी कीवर्ड को या एडवेंचर स्पोर्टिंग को या कुछ भी, अगर आप अपने मैसेंजर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आप अपने मैसेंजर पे रिप्लाई कर रहे हैं फटाक फटाक, तो आपको अच्छा अप्रोच मिलेगा फेसबुक में टॉप में रहने के लिए। फेसबुक आपको अच्छी रैंकिंग देगा टॉप रिजल्ट्स में रहने के लिए। सर, जैसे गूगल एडसेंस है वैसे ही क्या बिंग एडसेंस, याहू एडसेंस ऐसे भी है क्या? सर बिल्कुल है सर, तो उनका भी थोड़ा बता दीजिए उनमें कैसे अकाउंट चलाना है। आपको बिंग पे, बिंग से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा सर, जितना दे रहा है गूगल सर उससे ज्यादा अभी कोई नहीं देगा अगर आप एडसेंस की बात करें तो। तो एक टाइम में सर किसी एक से ही हम एडसेंस चालू चला सकते हैं या फिर गूगल के अलावा और भी दो तीन? बहुत सारे हैं। नहीं मतलब सर मैं पूछूं कि एट अ टाइम क्या हम सिर्फ एक ही बंदे के साथ हमारा वेबसाइट लिंक कर सकते हैं या फिर? नहीं सर ऐसा नहीं है, आप डाल सकते हैं और डिफरेंट एड्स डाल सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको गूगल के प्लेसमेंट वाले सिस्टम पे चलना पड़ेगा। फिर आपको जैसे गूगल में प्लेस्ड एड चलाने पड़ेंगे, आपको गूगल में ऑटोमेटिक एड्स नहीं चलाने पड़ेंगे, वरना पता लगे गूगल बाकी एड्स को सप्रेस करके वही अपना ही एड दिखा रहा है बार बार। ठीक है, शायद मेरे एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, सो कुछ अकाउंट में प्रॉब्लम है इसलिए शायद वो अभी नहीं चल रहा। विल कवर दिस लेटर, बट आगे चलते हैं और मैं यहाँ पे फेसबुक एड मैनेजर पे दोबारा लॉगिन करता हूँ एंड विल कंटिन्यू विद द वीडियो एड। यहाँ पे चलते हैं और फेसबुक एड मैनेजर पे क्लिक करते हैं।
एड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद मैं दोबारा जाता हूं गो टू एड मैनेजर। और मैं आप लोगों के सामने आज एक वीडियो एड बनाने की कोशिश करूंगा और हम उसको लाइव करने की कोशिश करेंगे उस वीडियो एड को। क्रिएट करते हैं। तो सर मैं चेक कर रहा था फेसबुक का बेसिक पैनल एक ही जैसा है, बस कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस है, बस किस कॉन्सेप्ट पर काम करता जाता है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे सर इन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उठाया सारा वहीं से, सारी कैलकुलेशन भी वहीं से है। ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये गूगल ने जब से एडवर्ड्स और एडसेंस लॉन्च किया बाकी लोगों ने सर उसी को फॉलो किया है, इससे पहले इनके पास अप्रोच नहीं था ये। So, मैं चलता हूं लेट सपोज किसी भी ऑप्शन पे, फॉर एग्जांपल अभी मैं चलता हूं लीड जनरेशन। कीवर्ड डालने का ऑप्शन तो देते नहीं है। सॉरी सर, कीवर्ड का ऑप्शन तो नहीं, यहां सिर्फ टारगेटिंग चलेगी। टारगेटिंग ही चलेगी जी। अभी लीड जनरेशन पे चलते हैं हम, और यहां पे मैं डाल देता हूं डिजिटल मार्केटिंग लीड्स। सर जो एबी टेस्टिंग ये बोल देता है जैसे यहाँ पे दिखा रहा है जी, इसका क्या मतलब? इसको मैं सर ये कुछ नहीं, एबी टेस्टिंग है सर ये, आप है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर एबी अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है। जब आप प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उससे पहले सर आप बीटा टेस्टिंग में जाते हैं, फिर आप अल्फा टेस्टिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने प्लेसमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि प्लेसमेंट कैसा चल रहा है। इस पे फेसबुक ज्यादा पैसा नहीं काटेगा, थोड़ा सा पैसा काटेगा स्टार्टिंग में, फिर आपसे पूछेगा कि अब रेगुलर चलाना है क्या, फिर आप इसको चलाएंगे। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा स्पीड कम हो जाती है आपकी। फेसबुक ने इस टूल पे अच्छे से काम नहीं किया हुआ है। तो यहां चलते हैं और मैं यहां पे अभी सारे ऑप्शंस यहां सेलेक्ट कर रहा हूं। मैंने यहां पे बजट डाल दिया 4000 डेली बजट। लाइफ टाइम भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, लाइफ टाइम भी बजट कर सकते हैं आप। 500 रुपए रखना है, 500 रुपए रखिए, जो आपको रखना है। सर कम रखने में ऑब्जेक्शन कर देता है ये। सर 70 रुपीज एटलीस्ट मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। ये 500 भी कर दिया इसने सर, वो कभी कभी तो सर जब आपका बजट है, क्योंकि वो आपके अकाउंट की हिस्ट्री को चेक करता है। तो आप अगर नॉर्मल चला रहे हैं सर, आप 70 रुपए से अपना एड स्टार्ट कर सकते हैं फेसबुक के अंदर। सर मैं 1200 से शुरू करता हूँ, 1200 से नीचे तो वो रिजेक्ट कर देता है जी, क्योंकि सर पहला जो ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री बनी हुई होगी वो उतनी उसने निकाल रखी होगी कि थ्रेशोल्ड है। वैसे फेसबुक जो पहला पैसा आपका काटेगा वो काटेगा 799 रुपीज पे, सेकंड काटेगा सर आपके 1500 रुपए पे या 1600 रुपए पे, और थर्ड काटेगा 10,000 पे, उसके बाद 20,000, 30,000, फिर सीधा 50,000 और फिर 1,00,000 रुपए का बजट दे देगा आपको। लोएस्ट कॉस्ट पे रखते हैं, एड शेड्यूलिंग रन ऑल दी एड ऑल दी टाइम स्टैंडर्ड रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कौन से पेज को प्रमोट करना है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को करना है। यहां पे आप डायनेमिक क्रिएटिव्स बना सकते हैं, प्रोवाइड इंडिविजुअल एसेट्स लाइक इमेजेस एंड हेडलाइंस ऑटोमेटिकली जनरेटेड ऑप्टिमाइज्ड क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ योर ऑडियंस। यहां पे आपका जो ऑडियंस है उससे रिलेटेड ये अपने आप आपकी हेडलाइन आपके एसेट्स को मैनेज कर लेगा जो आपके पेजेस से है। यहां पे वो लोग चलाते हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट के ओनर्स हैं, और यहां पर आपकी वेबसाइट के ऊपर रेगुलर पोस्ट होना चाहिए तभी डायनेमिकली काम करेगा। अगर रेगुलर पोस्ट नहीं है तो डायनेमिक एड मत कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ भी उठा के दिखाएगा जिससे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा नहीं। यहां पे चलते हैं कस्टम ऑडियंस, यहां पे ऑडियंस बना लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डाल देता हूं
सो यहाँ पे आप सोर्स चेक कर सकते हैं कि आपका सोर्स कहां से आएगा. क्रिएट एन ऑडियंस फॉर योर वेबसाइट विजिटर्स यूजर्स कैप्चर डेटा बाय फेसबुक पिक्सल्स. आप अपने कस्टमर लिस्ट को यहां पे देखिए, कस्टमर लिस्ट को आप अगर चाहते हैं तो ये देखिए, यूज अ फाइल दैट इंक्लूड्स द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. क्लिक करेंगे यहां पे आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं. राकेश जी आपके लिए ऑप्शन है, इस फाइल को डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड करने के बाद आपके सामने एक्सेल में एक शीट डाउनलोड कर लेगा जो टेम्पलेट शीट है. इस टेम्पलेट में अपना डेटा भरिए और अपलोड कर दीजिए इस जगह पे. क्लियर है सर? सर क्या क्या होता है इसके अंदर? ईमेल आईडी मैं ओपन करके दिखा रहा हूं सर आपको. यहां देखिए सर, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, मेल डिट छोड़ दीजिएगा सर. ये आपकी सर जो मैक आईपी है, सिस्टम की मैक आईपी है, फर्स्ट नेम, जिप कोड, सारी चीजें आप यहां पे डाल सकते हैं. अगर आपको सिर्फ ईमेल एड्रेस और फोन नंबर पता है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डालिए, बाकी चीजों को ब्लैंक छोड़ दीजिए. इसी डेटा को इसी सेम फॉर्मेट में रखिएगा, इस फॉर्मेट को चेंज नहीं कीजिएगा, इस फॉर्मेट को ऐसे ही रखिएगा. अगर आप एज में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एज डालनी बहुत जरूरी है यहां पर. एज अगर आपको ध्यान नहीं है कि उस इंडिविजुअल की क्या एज है, तो सब में 25 से ऊपर डाल दीजिएगा, 25 से नीचे नहीं डालिएगा. यहां पे जितने भी लोग होंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका एड दिखना स्टार्ट होगा. क्लियर है राकेश सर? जी सर. सर वहां पर तीन तीन ईमेल आईडी था क्या? एक ही बंदे का तीन तीन ईमेल आईडी था या फिर वो तीन बार क्यों ईमेल आईडी लिखा था सर? सर वो जंबल्स हैं. जैसे मान लीजिए एक कस्टमर ने आपके फॉर्म को भरा, एक फोन नंबर दिया और दो, लाइक एक बार दूसरे फोन नंबर से फॉर्म भर दिया, एक बार दूसरे फोन नंबर से फॉर्म भर दिया, तो जस्ट अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो. ठीक है जी सर. यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम मेलचिम्प. अगर आप एक ईमेल क्लाइंट यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली, मेलचिम्प एक ईमेल क्लाइंट है, ईमेल न्यूज़लेटर का कैंपेन बनता है यहां से, आप डायरेक्टली यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं. इसको भी बैक पे जाते हैं और यूज फेसबुक सोर्सेज, वीडियोस, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल, यहां से आप सोर्सेज को कर सकते हैं, लीड फॉर्म, ये सारे कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं. अगर आप चाहते हैं यहां से कस्टम ऑडियंस बनाना तो बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल आगे बढ़िए और लोकेशन को डालिए. लोकेशन हम पूरा का पूरा इंडिया ले लेते हैं. 18 टू 65 इयर्स ऑफ एज. मैं 18 इयर्स ऑफ एज को नहीं लेता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग 18 वाले लोग पैसा वेस्ट कर देते हैं और जिनको पेरेंट्स नहीं पसंद करते. तो मैं एक काम करता हूं, मैं 25 साल से लेकर 65 साल के लोगों को टारगेट करता हूं क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जिन खुद कमा रहे हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए खुद को डिसीजन मेकर बना सकते हैं. बाकी जो लोग दूसरे आएंगे वो सपोर्ट लाइन पे कॉल करेंगे और बोलेंगे मैं 3 दिन में अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, वहां पे लीड खत्म है. क्लियर है राकेश सर? गौरव सर क्लियर है? मनोज सर? यस सर. जी सर. बहुत बढ़िया. यहां पे जेंडर्स कर लिया. डिटेल टारगेटिंग मैंने आपको कल भी सिखाया था, डिटेल टारगेटिंग यहां पे बहुत अच्छे से टारगेट कर लीजिए. अगर मेरी कोई स्पेसिफिक वीडियो है, जिस स्पेसिफिक वीडियो पे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे उस वीडियो पे या फिर उस पोस्ट के ऊपर, अभी मैंने वीडियो और उस इमेजेस से बात नहीं की, किसी भी तरीके के आप एड के ऊपर अपनी वीडियो या फिर अपनी इमेजेस लगा सकते हैं, स्लाइड शो लगा सकते हैं, आगे दिखाऊंगा. यहाँ पे मैंने इसको ओपन छोड़ दिया, जिसको दिखाना मेरा एड दिखाओ. यहाँ पे लैंग्वेजेस कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज, कनेक्शन, सारे लोग यहाँ कनेक्शन को आप एडिट करेंगे तो कनेक्शन आप डाल सकते हैं. पीपल हु लाइक योर पेज, मतलब जो लोग जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया हो मैं उनको अपना ऐड दिखाऊं, या फिर ये सारे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड ऑप्शंस हैं. सर इसमें जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया है वो तो नॉर्मल ऑप्शन पोस्ट डालेंगे तो उनको वैसे भी दिख जाएगा अपना हमारा ऐड. सर जैसे मान लीजिए मेरा एक इवेंट आ रहा है तो मैं चाह रहा हूं जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली जिस लोकेशन से फॉलो कर रहे हैं उस जगह पे एक इवेंट आए. मैं चाह रहा हूं कि जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो जल्दी कन्वर्जन अगर मेरे को चाहिए तो 100% मैं चाहूंगा कि मेरे यूजर्स को दिखे. क्योंकि जब किसी पेज का अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, आप बस एक बार क्लिक करके छोड़ देते हैं. तो ये मेथड है एक कि जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया, लेकिन लोग, आप सही बोल रहे हैं, लोग इसको बहुत कम यूज करते हैं. ठीक है सर. रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है सर.
सेव ऑडियंस कर देते हैं, इस ऑडियंस को मैं सेव कर लेता हूं, ऑडियंस का नाम दे सकता हूं मैं, टेस्ट 10 to 11 क्लास, चलिए। तो सर इसमें ये भी होता है कि जैसे कि हमने कोई पर्टिकुलर जो हमारे लाइक जिन्होंने किया हुआ पेज जी, वो तो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया में किया हो लाइक जी, क्योंकि मैं चाहूँ कि दिल्ली दिल्ली वाले लोग जिन्होंने लाइक किया उनको दिखे, तो सर वो भी कर सकते हैं सर। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आप यहाँ पे जो लोकेशन आपने डाला है ना, उस लोकेशन में सर आप सिंपल यहाँ पे लोकेशन डाल दीजिए दिल्ली का, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है। ठीक है राकेश जी। तो सर एक कुछ वो भी होता है कि जिन्हों जैसे मेरा जो फेसबुक का है प्रोफाइल पेज, पेज जो है वॉल जो है सर उसके ऊपर दिखता है कि मेरे फ्रेंड ने जो लाइक किया है वो सर मुझे दिखता है कि somebody has liked this page or this। सर फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, मतलब जिन लोगों ने आपके पेज को लाइक किया है उनके जो कनेक्शन है उनको ही सिर्फ आपका एड दिखे, तो सर ये भी अच्छा, बहुत अच्छा ऑप्शन है सर ये, क्योंकि जो आपके पेज को लाइक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट के लोगों के साथ जुड़े हुए होंगे। जी सर। तो आप ये कर सकते हैं, एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, ऐसे लोगों को आपका एड दिखे नहीं जो आपके पेज को पहले से लाइक करके बैठे हुए हैं। अगर न्यू हमें लाइक कराने हैं तो उसलिए। जी बिल्कुल। सो प्लेसमेंट के ऊपर मैंने कल आपको बताया था, आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे दिखे, मैसेंजर पे दिखे, कहां कहां पे दिखे, मैं हर जगह दिखना चाहता हूं। फेसबुक नेटवर्क ऑडियंस नेटवर्क को छोड़ सकते हैं ना सर, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो होता नहीं हुआ। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा पैसा खा भी जाएगा आपका ये, लेकिन मैं अभी इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे रखता हूं। आगे चलते हैं तो सर, ये जो जी नेटवर्क सर जो बता रहे हो आप, इसके अंदर उसी पे शो करेगा सर जो एडसेंस चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर? सर एडसेंस फेसबुक के ऊपर जो चला रहे हैं ना, वो एक अलग कस्टमाइज टैब है, मतलब एक पेज दे दिया फेसबुक ने आपको, ब्लैंक पेज, जिसके ऊपर आप गूगल के एड चला रहे हो। फेसबुक के वीडियोस के ऊपर जो फेसबुक एड दिखा रहा है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब एडसेंस का कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, जैसे नेटवर्क आपने बोला कि आप उसके फेसबुक का जो नेटवर्क होगा उसको दिखाएगा वो। जी, जो फेसबुक के जितने भी वीडियोस होंगे या फिर फेसबुक के जितने भी लोग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर AOL सर्च की बात करें, AOL बहुत ज्यादा इंटरनेशनली सर्च इंजन अच्छा माना जाता है, ईमेल सर्विस है, उसके पास खुद का एड नेटवर्क नहीं है, तो वो गूगल का एड नेटवर्क, उसने अपना पूरा का पूरा सर्च इंजन फॉर एड्स कमर्शियलाइजेशन गूगल को बेच दिया है। सो वैसे ही फेसबुक के बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, वहां पे भी सर आप दिख जाएंगे, या फिर यहाँ पे जो लोग हैं जिनके एड्स चल रहे हैं या फिर जिनकी जो प्रोफाइल्स हैं या फिर जिनकी वीडियोस हैं उनके ऊपर आप दिख जाएंगे। तो सर जो आप बता रहे थे एडसेंस उस पे नहीं देखेंगे? नहीं सर, एडसेंस बिल्कुल अलग टॉपिक है, एडसेंस से फेसबुक का कोई मतलब नहीं है, एडसेंस सॉरी सर सर वहां पे किसके एड दिखते हैं सर एडसेंस में? हाँ सर, जो गूगल का एडसेंस जो बताया आपने। जी जी, फेसबुक का एडसेंस जो बताया, जो मैं टॉपिक स्टार्टिंग बता रहा था आपको वो उसकी बात कर रहे हैं? हाँ सर, एडसेंस बता दें सर आप, इसका भी है। चलिए मैं बता देता हूँ सर, फेसबुक का जो मोनेटाइजेशन है वो टॉपिक अभी मैंने कवर नहीं किया है। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला था, जहां से हमने सेशन स्टार्ट किया है, वहां पे मैंने बोला था कि फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है अपना एक इंडिविजुअल पेज बनाने का। सो अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो आप एडसेंस का कोड लेके उस पेज में डाल सकते हैं, तो फेसबुक में जब कोई इंडिविजुअल आपके उस पेज पे क्लिक करेगा तो जो पेज खुलेगा उस पेज के अंदर गूगल अपना एड दिखा सकता है, क्योंकि पेज आपने कस्टमाइज किया है। क्लियर है सर? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने अभी ऑप्टिमाइजेशन तो सर एक सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे इसमें। कोई बात नहीं सर, बताइए बताइए। तो सर फेसबुक एडसेंस जो है वो अलग है डिफरेंट? बिल्कुल सर, फेसबुक एडसेंस कोई कुछ नहीं है सर, फेसबुक मोनेटाइजेशन है, एडसेंस वर्ड गूगल को रिलेट करता है। ओके
सर इसमें नहीं होता जैसे कि हमारे पेज पे किसी के ऐड चल रहे हैं तो वहां क्लिक करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें? पेज पे नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज में अभी मिल रहे हैं सर, वीडियोस मिलता है काफी जी, और धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपकी जो मोनेटाइजेशन है किस किस जगह पे होगी, डिलीवरीज कैसे होंगी वो मैं बताऊंगा आगे आपको। तो सर इसमें सारे क्लिक के पैसे फेसबुक के लेता है या कहीं पर भी दिखे? हाँ जी सर, जी बिल्कुल सर, इसमें कोई डिवीजन विविजन नहीं करता सर वो। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए मैंने ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी, मैंने लीड फॉर्म बना रहा हूं इसलिए मैंने लीड्स पे कर लिया। कॉस्ट कंट्रोल मैंने लोएस्ट रखा हुआ है। शेड्यूल मैंने रख दिया कि मेरा पूरा का पूरा जिस दिन से मैं स्टार्ट करूं उस दिन से स्टार्ट हो जाए, जब तक मैं इसको पॉज नहीं करूं तब तक नहीं रुके ये। यहाँ पे एड्स सेट स्पेंड लिमिट, यहाँ पे मैं लिमिट डाल सकता हूं कि भैया मेरा एक जो एड सेट है दैट मींस एड ग्रुप है उसकी लिमिट इतनी है। व्हेन यू गेट चार्ज, यहां पे देखिए इंप्रेशंस देख रहे हैं, दिस इज ओनली अवेलेबल, दिस इज द ओनली अवेलेबल ऑप्शन, मतलब जो मैंने लीड फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है और जिस तरीके से मैं यहां पे ऑप्शंस डाल रहा हूं उसके लिए सिर्फ इंप्रेशंस काउंटेबल हैं, मतलब मेरे पास पर क्लिक का कोई ऑप्शन है नहीं। अगर इसको ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा पीछे कैंपेन के अंदर और मेरे को बिड कैप लगानी पड़ेगी। अच्छा आगे थी प्रॉब्लम, चलिए आगे चलते हैं, अभी रिजॉल्व कर लेते हैं सर। यहां पर अगर मैं इसको बिड कैप में कर लेता हूं और फिर आगे कंटिन्यू करता हूं, तो यहां पे मैं बिड कैप लगा सकता हूं कि कितने का बिड कैप लगेगा मेरा, मेरा मैक्सिमम बिड इन ईच ऑक्शन मैं चाहता हूं यहां पे 20 रुपए लगा दूं कि भैया 20 रुपए से ऊपर मैं नहीं दूंगा। इंप्रेशंस यहां पे भी नहीं आ रहे हैं जी सर, बताएं पर क्लिक होगा सर, ये पर क्लिक, सर ये पर क्लिक होगा सर, पर क्लिक सॉरी पर जो भी आपका जो मैक्सिमम आपने लीड के लिए डाला हुआ है सो ये पर क्लिक यहां पे जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो यहां पे तो इंप्रेशन सिलेक्ट किया होगा सर, इंप्रेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है क्योंकि यहां पे दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्लिक वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो सर क्लिक ही मानेगा ये, इसका मतलब क्लिक है, इंप्रेशंस पे ही चार्ज करेगा आपको, जितने इंप्रेशंस होंगे उस पे चार्ज करेगा। 20 रुपीज पर इंप्रेशन? नहीं सर, 20 रुपीज पर इंप्रेशन नहीं है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, देखिए लीड्स हैं, दैट मींस जब इसको लगेगा कि मेरी एक लीड कन्वर्ट हो गई तो ये मेरे से 20 रुपए चार्ज करेगा। अगर मैं यहाँ पे 20 रुपए डाल रहा हूं तो आप मान के चलिए मेरे पास जो मेरा डिडक्शन होगा वो समवे अराउंड 1-2 रुपए होगा इंप्रेशन का सर। जी सर, तो सर ये कैसे चलेगा पता इसको कि लीड कन्वर्ट होगी? सर आगे आप जैसे जैसे इस पे काम करेंगे अपने आप एक्सपीरियंस लगेगा, ये सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, फेसबुक अपने कैलकुलेशंस पे अभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्रांड अवेयरनेस पे आपको लेके चलता हूं और यहां पे देखिएगा क्या होता है, मैंने डेली बजट डाल दिया 1000 रुपए, कंटिन्यू, आई बिलीव आज मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। इसमें सर जो क्लिक व्यू फॉर मतलब एक क्लिक पे था ना व्यू लैंडिंग पेज दोनों की कॉम्बिनेशन में शायद नहीं सर, नहीं यहाँ पे आना चाहिए, इस पे आना चाहिए, मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है। सर रीस्टार्ट कर लो सर, ऐसे करते हैं सर हम तो, फेसबुक रीस्टार्ट कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर, कंप्यूटर रीस्टार्ट कर दो। मेरे को एक मूवी याद आ गई सर अभी हाल फिलहाल में आई थी, वो कौन सी थी, सैटेलाइट लॉन्च वाली,
मैं वो मूवी देख क्या मंगल मंगल करके कुछ मूवी थी कमीशन मंगल थी ना सर वो रीस्टार्ट कर देते मतलब उसने सैटेलाइट के पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया क्योंकि वो अचानक से कनेक्शन लूज हो गया था उस सारे सिस्टम इधर उधर चले गए थे उसने जैसे कंप्यूटर ऑन ऑफ करते वैसे सैटेलाइट ऑन मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं बॉलीवुड सर आई डोंट नो मुझे नहीं लगता सर ये चीज कोई भी अपनी कोई भी साइंटिस्ट सर ये चीज तो नहीं करेगा कि पता लगे सैटेलाइट 300 करोड़ का सैटेलाइट सर मंगल तक पहुंचा हुआ और आपने रीस्टार्ट कर दिया अगर नहीं होता तो क्या करते सर सर मेरे पास शायद कुछ इश्यू आ रहा है इसमें मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं बिकॉज वहां से पेज भी ऐड नहीं हो रहा था चलिए हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं शायद हम फेसबुक आज कवर नहीं कर पाएंगे बिकॉज मेरे कुछ ऐड अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है वहां पे पर क्लिक का ऑप्शन आना 100% लाजमी है वहां आना चाहिए सर इसमें एक छोटा सा सेक्शन कवर कर दिया जो आगे जाके ऐड सिंगल इमेज नहीं आता उसमें एक ऑप्शन आता है वो बस मुझे क्लियर करना था। सर अगर आपके पास अकाउंट है तो प्लीज आप शेयर कर लें क्योंकि मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है कुछ मुझे लगता है या तो कोई बिलिंग को लेके कहीं पे कुछ लिमिटेशन लगाई गई है क्योंकि बहुत सारे कैंपेन्स चलते रहते हैं हमारे बिजनेस अकाउंट से कुछ नई पॉलिसी ऐड सब देखी थी मैंने सर यूट्यूब के सर जो नीचे एक दिखा था उसमें ऐड चल रही होती है सर जी साइन अप या फिर जी जी कहां से होती है सर वो वाली डिस्प्ले ऐड गूगल गूगल डिस्प्ले ऐड नहीं सर जहाँ पे वो सब्सक्राइब का बटन आता है लाइक का बटन आता है उसके ऊपर दिखती है सर वो बिल्कुल जस्ट वीडियो के नीचे जो टैब सा लंबा सा बना होता है उसके उस पे दिखती है उस पे साइन अप लिखा होता है ऐसा करके लिखा होता है सर वो तो नॉर्मल यूट्यूब की वीडियो के ऊपर आप डाल सकते हैं ना अच्छा सर साइन अप की बात कर रहे हैं सर जब आपकी वीडियो स्टार्ट हुई है तो जो भी फ्रंट में एड दिखा रहा होगा ना वो पूरी वीडियो तक आपकी वीडियो के नीचे नीचे एड चलता रहेगा उसका और वहां पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा सर ऐड तो स्किप कर देते बट वो नीचे दिखता रहता है जी बिल्कुल सर वो रहेगा जिसकी भी वीडियो आगे दिखेगी जब तक वीडियो नहीं पूरी कंप्लीट होगी तब तक वो नीचे उसका ऐड दिखता रहेगा विद एनी ऑफ द ऑप्शंस चाहे उसने साइन अप दिया हो या फिर उसने कॉल नाउ दिया हो चाहे जो भी दिया हो अच्छा सर चाहे मैंने स्किप कर तब भी वो दिखेगा नीचे जी बिल्कुल सर वो नीचे दिखेगा जी सर क्वेश्चन पूछे सर शेयर कर दिया मैंने आपको चलिए बहुत बढ़िया मुझे लगता था फेसबुक अब इंप्रेशन पे ही कमाना चाहता है नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं है सर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है अभी बिल्कुल रीसेंट चेंज हुआ है क्योंकि अभी मैंने सुबह के सेशन में इस चीज को कवर किया है एक मिनट सर टाइम दीजिए मुझे
क्योंकि मेरे और ऐड में भी सेम इसी तरह के इश्यूज आ रहे थे। सर ये बिल्कुल रीसेंट चेंज हुआ है, मैंने मॉर्निंग में इस चीज को कवर किया है। एक मिनट टाइम दीजिए, लेट मी चेक। इसमें एक ऐड और बना सर, उसमें इंप्रेशन का ऑप्शन को चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है सर। बिल्कुल ये कुछ या तो किसी सेटिंग में उन्होंने चेंज किया है, लेट मी चेक। अगर आपको कभी फेसबुक के किसी अपडेट के बारे में जानना है, फेसबुक ब्लॉग पे चले जाइए। रेवेन्यू सर सबसे ज्यादा तो गूगल का ही होता होगा ना सर, इनमें ऐड वगैरह में। सर रेवेन्यू? हाँ जी सर। सर रेवेन्यू में तो गूगल को कोई बीट ही नहीं कर पा रहा सर, और खर्च कुछ हो नहीं रहा सर। अपना खुद का सर्च इंजन है, उसी पे ऐड दिखाओ उसी पे। सही बोल रहे हो, कहीं दूसरी जगह ऐड दिखा रहे होते, किसी को दूसरे को दे रहे होते तो समझ में भी आता सर। अरे कब बनी सर कंपनी गूगल, कब आया था सर फर्स्ट टाइम? सॉरी सर, सर कब आया था गूगल, कब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था सर्च इंजन? सर गूगल सर्च इंजन कब आया है? हाँ सर कब स्टार्ट हुआ था ये? मेरे ख्याल से सर गूगल सर्च इंजन 1998 में हुआ है सर, फाउंडेशन उसी टाइम है सर इसकी 1998, yes. Sorry guys, शायद कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से मेरे अकाउंट में आई एम श्योर कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू निशित सर कंफर्म करने के लिए, आई विल सो मच एफर्ट की। इंप्रेशन का ही बता दो सर, वीडियो का बता दो सर। हाँ बिल्कुल उस पर चलते हैं सर, इंप्रेशन को बता दो। जी 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 बिल्कुल उस पर चलते हैं सर। सो यहां पर अभी हम, मैं अपने एंड पे करूं निशित सर, आपके एंड पे करूं? बिकॉज आई डोंट वांट टू रियून दिस, जो भी एडिंग आप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर, अब जैसा है कंफर्टेबल। जी जी मैं अपने एंड पे कर लेता हूं सर, क्योंकि फिर आपके एड पे सर अगर करोगे तो कुछ क्वालिटी मार्कडाउन होगा वो सही नहीं रहेगा सर। चलिए मैं अभी इस पे लीड जनरेशन पे चलता हूं जो हम कर रहे थे, और जो वीडियो व्यूज हैं या फिर लीड जनरेशन है, किसी भी टाइप का आप कैंपेन चला रहे हैं, आगे आप जरूर सेट कर सकते हैं कि आप वीडियो डालना चाहते हैं, इमेज डालना चाहते हैं या क्या डालना चाहते हैं। अभी हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही चल रहे हैं, ऑडियंस हम वही लेते हैं जो नॉर्मल ऑडियंस है। डिटेल टारगेटिंग में काम करते हैं, यहां पे एक सजेशन ले लेते हैं एसईओ का। जिन लोगों के टाइटल पे एसईओ जॉब्स के बारे में लिखा होगा, एसईओ ऑप्टिमाइजर पे काम करते होंगे या कुछ होगा, उनको हमारा एड दिखाई देगा। नहीं यहां पे भी नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला कैंपेन है, फिर एड सेट है, फिर एड है। अब यहां पे आप अपनी एड को बना रहे हैं, यहां पे एड जब बना रहे हैं तो एड बनाने के लिए यहां पे स्विच टू क्विक क्रिएशन भी आपको मिलेगा, प्लस आप अपने पेज को, एक बार पेज को मैं सेलेक्ट कर लूं, यहां से आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपने पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है तो आप यहां पे सिंगल इमेज या क्राउजल, क्राउजल का मतलब स्लाइड शो, आपका जो एड दिख रहा है उसमें स्लाइड शो चलती रहे तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्राउजल का मतलब स्लाइड शो होता है। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई वीडियो दिखे
एड में किसी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं तो यहां पे वीडियो पे क्लिक कीजिए, नीचे चले, यहां पे आप डायरेक्टली अपने पेजेस से जितने भी आपके पेज पे जो भी आपके पेज पे अभी तक पोस्ट हुआ है उन सारे पोस्ट से रिलेटेड यहां पे आपको इमेजेस और आपके वीडियो सब कुछ दिख जाएगा। यहां से सेलेक्ट करना चाहते हैं यहां से सेलेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट से निकालना चाहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे चले जाइए, स्टॉक से निकालना चाहते हैं स्टॉक एक वेबसाइट है जहां से आपकी इमेजेस मिलती हैं वहां से जाना चाहते हैं वहां से चले जाइए, अभी के लिए इसको सेलेक्ट कर निकालते हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए मैं स्लाइड शो पे चल सकता हूं, न्यू करनी हो सर अपलोड तो, सॉरी सर सर न्यू करनी हो अपलोड तो, सर न्यू अगर करनी है सर, न्यू अगर करनी है तो सिंपल अकाउंट में जाइए और अपलोड इमेजेस का ऑप्शन दिख रहा है ये, ठीक है यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर ये वहां पे कहीं पोस्ट में नहीं दिखेगी? सर नहीं, ये किसी पोस्ट में नहीं दिखेगी। और अगर मैं इसी ऐड को पूरा का पूरा वीडियो ऐड में सर बताएं, सर यहाँ पे एक ऑटोमेटिक जो क्रॉप का ऑप्शन है, अगर मैं ऐसे यूज ना करना चाहूँ तो चलेगा सर? सर बिल्कुल सर, मैंने तभी ऑफ कर रखा है सर। हाँ, क्योंकि पिक्चर को बहुत डिशेप कर देता है वो। जी बिल्कुल। और यहाँ पे टर्न इनटू वीडियो, अगर मैं इसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस ऐड को, तो डायरेक्टली वीडियो क्रिएशन किट मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पे आप अपने वीडियो को जिस तरीके से दिखाना चाहते हैं, दैट मींस आप अपनी जो इमेजेस हैं या जो आपका एड है उसको लाइव वीडियो के तरीके से दिखा सकते हैं। टेम्पलेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, दो इमेजेस 6 सेकेंड्स, ये एनिमेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पे चलते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं, आप यहां पे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जो भी इफेक्ट्स आप चाहते हैं, कैसे ये मूव करेगा, सीन वन सीन टू सीन थ्री, दैट मीन स्लाइड वन स्लाइड टू स्लाइड थ्री, जिस तरीके से मूव करेगा आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरा एड दिख रहा है, इस तरीके से मेरा स्पॉन्सर्ड ऐड चलेगा। कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं। मेरा और भी है कि इस तरह में कई फोटोग्राफ या कई वीडियो दिखाने अच्छे होते हैं या एक सिंगल पे ज्यादा अच्छा है? सर मेरे ख्याल से सिंगल ज्यादा अच्छा रहता है, मैं हमेशा सिंगल पे चलता हूँ। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस आइडियाज पे। अगर आप लेट्स सपोज एक फोटोग्राफी स्टूडियो का ऐड चला रहे हैं तो 100% सर स्लाइड शो दिखाएंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन हम बहुत सारी कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं तो जी बिल्कुल, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहती है, तो मैं बिल्कुल एक अच्छी सी इमेज बनाऊंगा जहां पे जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं वो दिखाऊंगा और वहां पे काम होगा मेरा। क्योंकि मैं जो गैप है स्लाइड शो का, यूजर को कन्विंस ही नहीं कर पाऊंगा, दिखा ही नहीं पाऊंगा सर हो क्या रहा है। सो यहां पे आइए, प्राइमरी टेक्स्ट, ये जो ऊपर टॉप में जो आप लिख रहे हैं ना सामने देखिए, ये यहां पर आप ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा ये टेक्स्ट यहां से आप डाल सकते हैं, जो टेक्स्ट आपको लिखना है वो अपने स्पॉन्सर्ड एड में लिख सकते हैं आप इस तरीके से। हेडलाइन, यहां पे जो भी आप हेडलाइन डालेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी आप हेडलाइन लिखेंगे वो हेडलाइन आपकी नीचे आ जाएगी यहां पे इस जगह पे। सो ये हेडलाइन सेकंड लाइन में जा रही है, इससे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। यहां पे आप चेक कर सकते हैं अपने एड्स में कि आपका एड कौन से जगह पे कैसा लग रहा है, 1/2 एड्स, 2/2 एड्स, मोबाइल पे कैसा लग रहा है,
यहाँ पे चेक कर सकते हैं डेस्कटॉप पे आपका एड कैसा लगा है, इंस्टाग्राम आर्टिकल्स पे आपका एड कैसा लगा है, क्योंकि मैंने प्लेसमेंट नहीं किए, मैंने बस खुला छोड़ दिया इसको कि जहां मेरा एड दिखे वहां दिखे। तो यहाँ पे आप जरूर इसको चेक कर सकते हैं कि किस जगह पे आपका एड कैसे लगेगा। डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है लिखना, यहाँ पे ऑप्शनल दिया हुआ है लेकिन डिस्क्रिप्शन जरूरी है लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से हम वहां पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से निकाला गया है। यहां पे डिस्प्ले लिंक और ये जो साइनअप का आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहां से आप साइनअप डाल सकते हैं, यहां से आप अप्लाई नाउ डाल सकते हैं, बुक नाउ डाल सकते हैं, गेट ऑफर डाल सकते हैं, सब्सक्राइब डाल सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूं, सर कॉल नाउ का बटन नहीं है इसमें? सर कॉल नाउ का बटन यहाँ नहीं है, कॉल नाउ का सिर्फ वहीं पे मिलेगा स्टार्टिंग में, जो आपका जो टूल जो मैंने बताया था, जब गूगल से डायरेक्टली फेसबुक से आप करेंगे अपने पेज के ऊपर। याद है, ध्यान है सर कहां से बताया था मैंने? जी सर। चलिए, सो यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे और वो एक्शन लेगा। तो क्या होगा सर इसमें? इसमें कुछ लिंक करना पड़ेगा, हाइपरलिंक? सर ये डायरेक्टली, सर अभी मैंने लीड जनरेशन का किया है, तो ये डायरेक्टली जब मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये लीड जनरेशन आ जाएगा सर, और यहाँ पे मैं फॉर्म बनाऊंगा। अब क्योंकि अगर मैं वेबसाइट ट्रैफिक पे लेके आता तो यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आता कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ले जाओ, मतलब वेबसाइट का लिंक फिर ये मांगता मेरे से, लैंडिंग पेज का URL। क्लियर है सर? ओके। अभी मैंने लीड जनरेशन क्लियर किया, अब यहाँ पे मैं फॉर्म बनाऊंगा, जो जो फॉर्म मेरे को चाहिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन मेरे को डालना है या फिर अपना कुछ बनाना है, तो मैं इस तरीके से, यहाँ देखिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा किसी भी एड पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आप लोगों के सामने खुल जाता होगा। आजकल देखा है उमेश सर कभी? यस सर। तो यहां से आप बना सकते हैं। निश्चित सर आपके लिए बहुत अच्छा है, ट्यूटर्स के लिए बहुत अच्छा होगा ये फॉर्म। लेकिन लीड पे सर वही टारगेट कर रहा हूं कि सर इससे आपने जो ट्रैफिक और ब्रांड अवेयरनेस दो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं पे कंसंट्रेट करूं सर। सर बिल्कुल, क्योंकि लीड गूगल से जो आ रही है ना वो बड़ी बड़ी मजेदार लीड होगी। फेसबुक वाले सर कुछ भी क्लिक कर देंगे, क्योंकि एक चीज समझिएगा, जब आप फेसबुक का लीड जनरेशन फॉर्म चलाते हैं ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी फेसबुक पे लॉग इन होता है वो किसी ईमेल एड्रेस से लॉग इन होता है, और उस ईमेल एड्रेस से लॉग इन होता है जो उसके फोन में बाई डिफॉल्ट प्राइमरी ईमेल एड्रेस है। ऐसा ही होता है सबके साथ? सर राकेश जी, मनोज जी, जी सर। तो क्या है कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी फेसबुक स्पॉन्सर्ड एड पे जहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ होगा वहां पे क्लिक कीजिएगा या साइन अप पे क्लिक कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके फील्ड्स के अंदर ईमेल एड्रेस फोन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। आता है? जी सर। ऑटोफिल पोजिशन बोलते हैं इसको, इसको HTML लैंग्वेज में ऑटोफिल बोलते हैं। So, लोग देखते नहीं है, अप्लाई पे क्लिक किया, ऑटोफिल अपने आप आ गया, अप्लाई पे क्लिक कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो चेक करने के लिए कर रहे थे, अचानक से ईमेल उठ के आ गई। तो वहां से लीड्स बड़ी गलत आ जाती हैं। सो मैं उसको 100% लीड्स कन्वर्जन नहीं मानता। फेसबुक से अगर बहुत डिटेल्ड टारगेटिंग अगर आप कर रहे हैं, बहुत डिटेल्ड, तब उस पर कॉल कर सकते हैं। बट हाँ निश्चित सर, अगर आपकी सेल्स टीम बैठी हुई है जो आउटबाउंड कॉल करना चाहती है, तो आपके लिए लीड जनरेशन अच्छा हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत कम पैसे में आपके पास बहुत हजारों लीड्स आ जाएंगे। क्लियर सर? जी सर। सर जो ऊपर आपने बताया था ऑप्शन, वहां पे टेम्पलेट हमने की थी डाउनलोड, फोन नंबर ईमेल आईडी डालने का। जी जी। तो सर उसमें भी कुछ मिनिमम हुआ है कि आपको इतने इसमें डेटाबेस होना चाहिए? सर उसके लिए मिनिमम डेटाबेस अगर आप 50 लेके चले तो 50 मिनिमम डेटाबेस है। 50 पे हो जाएगा सर? 50 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा वो। सर मैं चाहूँ कि जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर हैं बस उन्हीं को दिखाऊं मैं अपना ऐड, तो मैं उन्हीं को दिखाऊं। बिल्कुल दिखाइए सर। हो जाएगा सर उससे? 100% हो जाएगा सर। 200-300-400 को भी उन्हीं को दिखे? बिल्कुल सर, मजेदार तरीके से हो जाएगा। चलिए इस तरीके से आप अपना फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के बाद यहाँ पे आप URL पैरामीटर्स डाल सकते हैं। पैरामीटर इन द सेंस सर, यहाँ पे देखिएगा आप
फेसबुक पिक्सल, ऐप इवेंट, ऑफलाइन इवेंट्स, ये सब आप सेटअप कर सकते हैं, ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। अगर आप कोई पैरामीटर, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जैसे ही फॉर्म फिल हो वैसे ही उस इंडिविजुअल को एक मैसेज चला जाए, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस। सो आप क्या करेंगे, आप किसी भी एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर से बात करेंगे और पूछेंगे कि हमें यूआरएल प्रीफिक्स दे दो जो हम कनेक्ट करेंगे अपने बटन के साथ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे बिल्ड यूआरएल करना है, कैंपेन सोर्स डालना है, जैसे कैंपेन आईडी उठ के आ जाएगी, और आपको पैरामीटर डालना है यहां पे कि अगर आपका नेम और वैल्यू ये हो तो आपका सोर्स निकल जाए ऐसा। सो जैसे अगर मैंने यहां पे डाल दिया कि मेरा पैरामीटर नेम जो है, मेरा पैरामीटर नेम अगर लैंग्वेज है, मतलब मेरा लैंग्वेज का अगर फॉर्म आ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, और अगर उसकी वैल्यू इंग्लिश आ रही है तो ये चीज फायर हो जाए। अगर आप सिंपल, आपको वो एक लिंक दे देता है तो यहां पे उसको सिंपल आके पेस्ट कर दीजिए, और जैसे ही कोई अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेगा, जो भी उस फोन नंबर होगा उस फोन नंबर पे ऑटोमेटिकली मैसेज चल जाएगा। इस प्रोसेस के बारे में ज्यादा आपको बता पाएगा कौन, जिससे आप एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी लेंगे, क्योंकि हर एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर का अपना अपना पैरामीटर्स होता है, वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्रैकिंग मैकेनिज्म में भी इसको यूज करते हैं, दैट मींस कि आपके कितने फॉर्म भरे, उन लोगों को मतलब नहीं है फेसबुक क्या दिखा रहा है, गूगल क्या दिखा रहा है, कहां क्या चल रहा है, उनको मतलब है कि मैं थर्ड पार्टी यूज टूल यूज करूंगा और मेरे को ट्रैकिंग मैकेनिज्म मिल जाएगा। तो एक छोटा सा कोड दे देते हैं और यहां पे आपको कोड डाल देंगे। इस कोड के डालने से होगा क्या, आप यहां देख रहे हैं ये साथ में, ये जो आईडी अंडरस्कोर ये जो चल रहा है साथ में, ये मैंने हमेशा बताया ये एक स्ट्रिंग है, ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग है। तो ये डेटा लेके आ रहा है पीछे से कि ये जो एड मैनेजर, ये जो अकाउंट है उसकी आईडी ये है, हर जगह यही लेके आ रहा है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहां से हटा दूं ना, ये वाली चीज अगर मैं हटा दूं तो फेसबुक इस पेज पे मेरे को लेके नहीं आएगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कौन यूजर है ये जब मैंने लॉगिन किया है उस टाइम से ये मेरे पीछे पीछे ये हर जगह क्वेश्चन मार्क लेके चल रहा है हर लॉगिन विंडो पे, तो ये सेशन मेंटेन कर रहा है। क्लियर है, कुछ समझ आ रहा है मनोज सर? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर यदि इसमें हमें ऐड करना हो, जैसे एक सर्विस होती है इसमें ओटीपी जाता है, जी जी जी, वो वेरीफाई हो जाता है नंबर, जी जी, तो सर वो भी इसी से हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा, यूआरएल पैरामीटर से। आपको जो भी आप जहां से भी सर्विस लेंगे उससे आप बात कीजिएगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे। आजकल सारे सर्विस वाले फेसबुक और गूगल एड्स के साथ कन्वर्टेड पैरामीटर्स दे देते हैं आपको। ओके, तो सर ये मतलब नॉर्मल सर्विस होते हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक होते हैं? नहीं सर, नॉर्मल होती है, नॉर्मल किसी भी सर सिंपल गूगल पे जाएं और सिंपल टाइप कर लें सर एसएमएस प्रोवाइडर्स, आपको बहुत सारी कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, या जस्ट डायल पे कॉल कर लीजिए, बहुत सारी कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एवरेज प्राइस 5 पैसा से लेके 12 पैसा तक है, मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा तो 8 पैसे से ऊपर वाला ही रखिएगा, क्योंकि उनका डेटा अच्छा होता है। लेकिन अगर आप सिंपल एसएमएस भेजने वाले पे बात कर रहे हैं कि भैया मेरे को कुछ डेटा वेटा नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ जो मेरे नंबर है उस पर एसएमएस चला जाए, तो उसके लिए भी आपको एवरेज 7 से लेके 10 पैसे तक का एवरेज रखिएगा। उससे नीचे अगर आप लेंगे तो आपके 5 नंबर पे मैसेज जाएगा और 4 पे नहीं जाएगा। ओटीपी सर उसी के अंदर ही हो जाता है, फिर अलग से सर्विस होती है वो? सर उसी के अंदर हो जाता है। ओटीपी को हम कहते हैं ट्रांजेक्शनल एसएमएस। दो तरीके के एसएमएस होते हैं, एक होता है प्रमोशनल, एक होता है ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल महंगा होता है, प्रमोशनल सस्ता होता है। ट्रांजेक्शनल मैसेज में ओटीपी के थ्रू यूज होता है वो, तो किसी से भी बात करेंगे तो आपको बता देगा सर, आपसे पूछेगा पहले कि सर ट्रांजेक्शनल मैसेज चाहिए या प्रमोशनल मैसेज चाहिए। हाँ सर, परचेज किए थे मैंने जी, पर उसमें ओटीपी कुछ नहीं बताया उसने। सर आप कर सकते हो, आपने कौन सा पैकेज लिया था, ट्रांजेक्शनल लिया था, प्रमोशनल लिया था? ट्रांजेक्शनल सर लिया था, अभी भी लिया हुआ है मैंने। चलो उससे बात कीजिए, उसको बात पे फोन करके बात कर लीजिए। डिफॉल्ट प्रमोशनली दे दिया होगा। सॉरी सर, उसने बाय डिफॉल्ट प्रमोशनली दे दिया होगा इनको। सर ये मैं वही कह रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट प्रमोशनली, क्योंकि सस्ता पड़ता है ना सर उनको। नहीं नहीं सर, वो ट्रांजेक्शनल लिया है मैंने कस्टमर को भेजने के लिए अपने क्लाइंट का। अच्छा ठीक है, तो सर आप ओटीपी वहां पे कन्वर्ट कराइए, उनसे बात कर लीजिए किस तरीके के पैरामीटर्स वो देंगे, आप उसको अप्लाई कर लीजिए।
ठीक है। तो और सर वो जी अगर कोई वो जैसे मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म पे चाहूं मैं लगाना तो वहां भी हो जाएगा सर? सर बिल्कुल 100% हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो उसमें कुछ कोडिंग चाहिए या फिर? सर कोडिंग चाहिए, 100% कोडिंग चाहिए। अगर वो कोड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कोड दे दो, अगर वो कोड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सर एक कोडर की हेल्प लेनी पड़ेगी जो डिजाइन जो कोड करेगा, और ज्यादा कॉस्ट नहीं होगा, 1000 रुपए किसी को पकड़ाओ काम हो जाएगा ये। और या फिर अगर आप जॉट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो जॉट फॉर्म में तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा इस चीज का। ओके चलिए ठीक है। तो यहां पे मैं सेव करूंगा, इसके बाद ये रिव्यू में जाएगा और मेरा एड फिर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? क्लियर है सर। चलिए बहुत बढ़िया। सर एक लाइव करके सर दिखाइए। सॉरी सर लाइव अभी सर लाइव करके कैंपेन जी सर कैंपेन अगर मैं लाइव कर भी देता तो आपको कैसे दिखेगा? हाँ सर वही है सर, तो सर पता नहीं चलता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, लाइव हो जाते हैं बट हमें दिखती है। यहाँ पे आप टेस्ट नहीं कर सकते कि आप लाइव हुए नहीं हुए, बस आप वेट करेंगे और देखेंगे मेरा कितने लोग इम्प्रेशंस मेरे कितने हो गए, बस वही देख के खुश होंगे। फेसबुक में जैसे गूगल एड में आप ट्रैक कर सकते हैं ना कि मैं लाइव दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा। हाँ सर वही, फेसबुक में ऐसा नहीं है सर। तो सर वो दिखते हैं सच्ची में? सर 100% दिखते हैं, मतलब अब सर कहीं ना कहीं तो जरूरी है सर करना। तो जिस तरीके से सर यहां से कैंपेन ऑन किया ऑफ किया आप ये कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक मेरा रेस्टोरेंट है इसके लिए हम कर रहे थे, तो यहाँ पे जो बार में हम लोग चला रहे थे कि शुड बी, ये हमने कैंपेन चलाया था हैशटैग शुड ड्रिंक टुनाइट, बहुत अच्छा कैंपेन चला था, इसके लिए हम ये चला रहे थे पूरा का पूरा कैंपेन। सो हैशटैग यूज कर सकते हैं? सॉरी सर, सर ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, देखिए पोस्ट का मैंने चला रखा है, पोस्ट को बूस्ट किया हुआ है, पोस्ट को बूस्ट किया तभी इसने पोस्ट का नाम ऑटोमेटिकली उठा लिया। ये जो हैशटैग देख रहे हैं ना ये नाम है सर उस कैंपेन का, उस एड सेट का। इस नाम को तो मैं कुछ भी रख दूं, पी एक्स वाई कुछ भी रख दूं, ये तो अपनी मेमोरी के लिए। क्लियर है सर? चलिए बहुत बढ़िया। और कल मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे को रिसर्च करने की जरूरत है कि वहां पर क्या चेंज हुआ है जिसकी वजह से हम वहां पे क्लिक्स पे नहीं कर रहे हैं। निश्चित सर हम कल सेशन में जरूर इस चीज की बात करेंगे, तब तक आप अपने एड पे जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए, और कल मैं आपको क्लिक्स में हेल्प कर दूंगा क्लिक्स कैसे काम करेगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ शायद मेरे एंड से कुछ मिसिंग है या फिर कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से हम उस पर क्लिक का ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। I'll do my research and will join back again tomorrow. मैं सेशन को यहीं तक रखता हूँ। जी बताइए। सर इसके अंदर भी remarketing होता है सर, जिसने impression दिखाया हमारा। Google Pixel, yes. Sorry, Facebook Pixels. आपको याद है सर Facebook Pixel हमने सेटअप किया था, उसने कोड दे दिया था। जी सर। कल की क्लास में हमने कवर किया था। जी सर याद है मुझे। जी सर वही रीमार्केटिंग, जिन्होंने भी इंप्रेशन मतलब जिनको भी दिखाया हमारा है तो उनको दोबारा दिखेगा। जी बिल्कुल सर, क्योंकि वो आपके कस्टमर बन गए। तो सर इसमें कुछ नहीं होता ऐसे कितने नंबर ऑफ डेज तक दिखे ऐसा कुछ? सर फेसबुक पिक्सल्स में होता है, पिक्सल सेट करते टाइम आपसे वो पूछता है कि कितने दिन तक आप करेंगे पिक्सल सेट। ओके कोई और क्वेश्चन किसी का? सर अगर आपका नेक्स्ट मीटिंग नहीं है तो मेरे स्ट्रीम आया में सर 10 मिनट दे दीजिए सर। सर मेरे लिए मीटिंग टाइम थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, सो आई ठीक है सर, हम फिर कब कर लेंगे सर? जी बिल्कुल सर, कभी भी हम ज्वाइन करके कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन बताइए सर एक बार। सर वो मेरा वेबसाइट का जो है वो स्पीड स्लो हो रहा है, तो आपने जो कल जो सजेस्ट किया था प्लगइन वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा है सर, एरर दिखा रहा है। सर एरर क्या दिखा रहा है वो? I think he, you cannot upload या फिर मतलब इस टाइप पे आप अपलोड नहीं कर सकते, ऐसे कुछ एरर था सर। सर ये एरर अभी पिछले सेशन में मेरे पास आया है, तो मेरे ख्याल से हमारे होस्टिंग का कुछ एरर चल रहा है, तो मेरे को कवर करना पड़ेगा। मैंने अपनी टेक्निकल टीम को बता दिया है और विद इन 24 आवर्स ये फॉर श्योर रिजोल्व हो जाएगा। आप एक बार स्क्रीन शॉट भेज सकते हैं क्या सर उसको मुझे? मैं भेज दूंगा सर। जी जी सर। चलिए सर मैं सेशन यहीं तक रखता हूँ, कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन गाइस, विल मीट टुमारो, गुड नाइट, जय हिंद।
जय हिंद सर।